हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रिंटेड कुर्ती के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन शेयर करेंगे। उसमें यूज़ करेंगे हम ये गोटा लेस, इसी से हम अपने दामन और स्लीव्स को भी डिज़ाइन करेंगे। ये हमने पेपर पेस्टिंग ली है, यानी फ्यूजिंग पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई 9 इंच और लंबाई में ये 15.5 इंच है। हमें इसे कुर्ती के रोंग साइड में पेस्ट करना है। लेस को फिनिशिंग के साथ लगाने के लिए इसको पेस्ट करना ज़रूरी है। हल्का सा वाटर स्प्रे करने के बाद हम इसे आयरन से पेस्ट कर लेंगे। तो लंबाई में हमने इसको लगभग 17 इंच रखना है। आयरन को हम मीडियम टेम्परेचर पर सेट कर लेंगे। हाई टेम्परेचर पर आयरन करने से पेपर पेस्टिंग सिकुड़ जाती है। तो देखिए, हमारी ये पेपर पेस्टिंग पेस्ट हो गई है। अब हमें अपना नेक कटिंग करना है। नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे हम 6 इंच, तो उसका हाफ यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। नेक को हम डीप रखेंगे 4 इंच। तो हम इस तरह से हमने मार्क कर लिया और ये कर्व स्केल से हम इसको शेप देंगे। हमें यहाँ पर 20 स्लिट बनानी है। तो हमारे नेक की टोटल जो गहराई रहेगी वो 7.5 इंच रहेगी, यानी 7.5 इंच पर इस तरह से हम मार्क करेंगे। स्लिट की लंबाई यहाँ पर 2.5 इंच यानी 2.5 इंच रहेगी। पहले हम अपना ये नेक कटिंग कर लेंगे और इसी पीस को रखकर हम बुकरम पर नेक कटिंग करेंगे। तो हमने ये बुकरम लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। हम इस कपड़े को इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे और इसके बराबर में हम यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर 1/4 इंच से थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई पर एक और मार्क करना है। हम जितनी चौड़ाई सिलाई लगाते हैं इतनी दूरी पर हमें ये मार्क करना है। ये यहाँ पर इस तरह से हमने क्यों मार्क किया है ये अभी दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये जो कपड़ा यहाँ से निकला है, तो जहाँ से हमने इसको कट किया है हमारी सिलाई यहाँ पर नहीं आती है। इससे थोड़ी दूर पर हम यहाँ पर थोड़ा सिलाई मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ पर जितनी चौड़ी हम सिलाई लगाते हैं इतनी दूरी पर हमें ये मार्क करना होता है। अब हमें यहाँ पर 1 इंच चौड़ा नेक कटिंग करना है। तो 1-1 इंच की दूरी पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें अपना नेक इस लाइन पर कटिंग करना है, इस लाइन पर कटिंग नहीं करना है। अब हम अपना नेक कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब हमें अपनी 20 स्लिट को कट करना है। तो ये देखिए, हमारी स्लिट की लंबाई रहेगी 2.5 इंच। तो हम बुकरम के इसी पीस को ले लेंगे और ये देखिए लंबाई में 4.25 इंच आ रहा है। स्लिट की चौड़ाई रखेंगे हम 1 इंच। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे और लंबाई में हम 3.5 इंच रखेंगे। स्लिट को हम 1 से 1.5 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। अब स्केल से हम ऐसे मार्क कर लेंगे और लगभग 1 इंच चौड़ाई पे इस तरह से और मार्क कर लेंगे। इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी स्लिट कट हो गई है। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमने कपड़े पर अपने नेक को पेस्ट कर लिया है और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम स्लिट को भी रेडी कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके सेंटर में हम यहाँ पर कट लगाएंगे। इसी तरह से हम अपने नेक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे। अब इस तरह से हम अपने नेक को खोलेंगे और इसके सेंटर में हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे नेक की जो डीपनेस रहेगी वो 7.5 इंच रहेगी। तो हम यहाँ पर इसके इस मार्क से हम अपनी 20 स्लिट को ऐसे मिलाकर रखेंगे और सेंटर से सेंटर मैच करेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
सेंटर से हम इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं कटे। अब हम बुकरम को रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे। यहाँ पर कॉर्नर से अच्छे से कपड़े को खींच कर सेट करेंगे और हमें यहाँ पर पहले आयरन करना है। तो देखिए हमारी आयरन हो गई है। कुर्ती के सेंटर में हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको लंबाई में हमने 14 इंच रखा है। अब हम गोटा लेस लेंगे। हमें यहाँ पर स्लिट के बराबर में रखकर गोटे को लगाना है और हमें यहाँ पर लेस की एक साइड में सिलाई लगानी है। हम यहाँ पर गोटे के सेंटर में सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम एक सिलाई से इसको अटैच करते हैं तो ये धुलने पर मुड़ जाती है। तो ये देखिए हमने ये सेंटर में लाइन बनाई है तो इस लाइन के बराबर में हमें अपने ये गोटा लेस रखनी है। तो देखिए हम लेस को इस तरह से मोड़ेंगे और हमें यहाँ पर मोड़कर ट्रायंगल शेप में यहाँ पर कोना बनाना है। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर गोटे को हमें इसकी बराबर में मिलाकर रखना है। अब हमें गोटे की दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में कोना बनाया है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर 1/4 इंच के गैप से गोटे की दूसरी लाइन लगानी है। तो हम यहाँ पर 1/4 इंच के गैप से गोटा लेस को रखेंगे और इसी तरह से हम गोटे के एक साइड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है। तो देखिए किसी नुकीली चीज़ से लेस को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें कोना बनाना है। और हमें यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर भी हमें दूसरा कोना बनाना है। तो इस तरह से हम किसी नुकीली चीज़ से दबाकर अच्छे से यहाँ पर कोना बनाएंगे और 1/4 इंच की चौड़ाई पे आकर इस तरह से सिलाई रोक देंगे और यहाँ पर भी हमें एक और कोना बनाना है। अब हम गोटे की दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये लेस लग गई है। हमने इसको डबल सिलाई से लगाया है और हमें इसी तरह से 1/4 इंच के गैप रखते हुए दो लाइनें और लगानी है। यानी यहाँ पर हमें 4 लाइनें गोटे की लगानी है। तो देखिए हमारे यहाँ पर गोटा लेस अटैच हो गई है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये कोने बने हैं। अब हमें नेक को इस तरह से दोबारा कटिंग करना है क्योंकि हमने बुकरम की पट्टी 1 इंच ऊपर बढ़ते हुए रखी थी। तो हम नेक के अपने इस पीस को रखकर शेप चेक करेंगे। ये देखिए हमारा नेक कटिंग हो गया है। अब इसको रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे। ये जो हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया था तो ये जो एक्स्ट्रा है हम इसको रिमूव कर देंगे। ये आसानी से निकल जाती है। अब हम अपने नेक को लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर चौक से मार्क कर लेंगे जिससे हमारी ये पहचान रहे कि ये हमारी ऊपर वाली साइड है। अब हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और नेक को सेंटर से फोल्ड करके बीच से कट कर लेंगे। तो ये देखिए जिधर हमने ऊपर मार्क किया था ये साइड हमें ऊपर रखनी है और हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हम दूसरा पीस लेंगे और इसको इस तरह से 1/2 इंच आगे बढ़ता हुआ रखना है क्योंकि हमें इसको फोल्ड करने के लिए चाहिए। स्लिट की चौड़ाई हमने 1 इंच रखी थी तो दोनों साइड में हमारा 1/2 इंच इस तरह से बढ़ता हुआ रखेंगे।
अब हम यहाँ पर राउंड वाली जगह पर छोटे छोटे नोचेज लगाएंगे। तो देखिए हमें इसको सिलाई मार्जिन को इस साइड को रखना है। हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। तो अब हमें बुकरम को अंदर की साइड को इस तरह से टर्न करना है और ये जो हमारा हाफ इंच बुकरम आगे बढ़ता हुआ रखा था हमने, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके पहले आयरन से हम अपने नेक को सेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हाथ से तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने नेक को तुरपाई कर लिया है और हमने इसका बैक नेक भी बना लिया है। अपनी कुर्ती को हमने कंप्लीट तैयार कर लिया है। तो आप ये इसकी स्लिट देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लिट तैयार हुई है। और इसी तरह से हमने इसके स्लीव्स को भी डिज़ाइन किया है। इसमें भी हमने गोटे की चार लाइनें लगाई हैं, ये देख सकते हैं। और इसके नीचे दामन को भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन किया है, इसमें भी हमने गोटे की चार लाइनें लगाई हैं। अब इसको रॉन्ग साइड से दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर दामन को फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच कपड़ा रखा था। जनरली हम यहाँ पर 1.5 इंच कपड़ा लेते हैं। इसके पीछे भी हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया है, तो उसकी पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई हमने 1.25 इंच रखी थी। 1.25 इंच कपड़ा हमने अंदर की साइड को फोल्ड कर लिया, तो यहाँ पर हमारे 1.25 इंच की ये पट्टी रेडी हो गई है। तो इसको फिनिशिंग के साथ लेस को लगाने के लिए इसको लगाना ज़रूरी है। अगर हम सिंगल कपड़े पर लेस को लगाते तो कपड़े में झोल आती। ये देखिए कुर्ती की स्लिट्स को भी हमने सिंपल मशीन से फोल्ड कर लिया है। तो ये थी जनाब हमारी कुर्ते की कंप्लीट लुक। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।